नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो बेहद गंभीर है। हम आज बात कर रहे हैं भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की समस्या आखिर क्या है, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोनलाइंस खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की समस्याएं क्या हैं, क्यों मुकदमों का अंबार लगता जाता है, क्यों इंसाफ को लेकर लोग आज भी दर दर भटकने को मजबूर होते हैं, अदालतों के सामने आखिर किस तरह की समस्याएं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। बेहतर कानूनी विकल्प क्या हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय अदालतों में लंबित मामलों के पीछे आखिर समस्याएं क्या है। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, साथ ही इलाहाबाद से कृष्णजीत शुक्ला हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत में दिव्य दर्शन शर्मा जी आपसे ही करना चाहूँगा, मुकदमों के अंबार से न्याय तंत्र बुरी तरह से कराता हुआ नजर आता है, कहाँ पर कमियाँ रह जा रही हैं? जी, जहाँ तक मैं एक बहुत पुरानी हमारे न्याय के क्षेत्र में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर न्याय में देरी है तो वो बराबर है न्याय ना मिलने के। आज अगर हम देखें तो ये लीगल व्यवस्था पूरी तरह से पूरे देश के अंदर चरमराई हुई है जी। अकेले हम अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मिला दें जितने भी हमारे देश में हैं, तो वहाँ लगभग 2.6 करोड़ की पेंडेंसी कानून मतलब हमारे केसेस की है, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी 54 से 55 हज़ार केस की पेंडेंसी है। अगर हम अकेले इसकी बात करें हाई कोर्ट, जो हमारे 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी ये आंकड़ा 34 से 35 लाख तक पहुँचता है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और जहाँ आज एक सामान्य आदमी से लेकर के इस देश का महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ कोई भी अधिकारी या कोई भी सर्वोच्च व्यक्ति अगर कहीं पर अपने आप को पीड़ित पाता है, तो वो आज भी न्यायालय की तरफ ही देखता है कि न्यायालय से उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि न्यायालयों पर दिन प्रतिदिन जो कानून प्रक्रिया में मिलने वाला जो एक समाधान है या जो मिलने वाला उनको रिलीफ है, वो देर होती जा रही है। वो उसका मेन कारण ज़्यादा से ज़्यादा केसेस की संख्या का बढ़ना है, और ये संख्या इस वजह से भी बढ़ रही है कि अगर आप देखें तो जगह जगह पर देखा जाता है कि जितने जजेस होने चाहिए, सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो जजेस जितने वहाँ पर अपॉइंट नहीं है जी। अगर हम हाई कोर्ट्स की ही बात करें तो आज की डेट में जो हमारे लिए 24 हमारे हाई कोर्ट हैं, वहाँ पर 1,079 जजेस होने चाहिए, उसी जगह पर 395 जजेस की आज डेफिशिएंसी है, वो पोस्ट खाली वैकेंट पड़ी हुई है, यानी 40% वो एरिया जो कि हमारे जजेस के द्वारा वहां जाकर के बैठ करके वो न्याय देते, वो खाली पड़ा हुआ है। ये हालात आपको मैं बता रहा हूँ हाई कोर्ट्स के अंदर जी। और इस तरह से हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे भी देखें, तो जो जजेस की हमारी वैकेंसी वो आज की डेट में बहुत कम है जी। तो बहुत जरूरी है कि पहले हम इन वैकेंसीज को पूरा करें।
चलिए हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ पर आती है। जब एक तरफ हमेशा ही कहा जाता है कि जजेस की संख्या कम है, जिसकी वजह से मुकदमों का जो बोझ है वो लगातार अदालतों के सिर पर बढ़ता हुआ नज़र आता है, इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा या फिर क्या अड़चन इसमें आ जाती है? लेकिन शुक्ला जी, एक चीज़ मैं आपसे और भी समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की तुलना में निचली और ज़िला अदालतों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है, वो भी तब जब मुकदमों की शुरुआत यहाँ से होती है? कहा जाता है कि 2 करोड़ से अधिक मुकदमे जिला अदालतों में पेंडिंग है जी, तो ये एक गंभीर समस्या है। इसकी मूल वजह ये नहीं है कि जजों की कमी है, एक जजों की कमी होना एक तो समस्या का कारण है, लेकिन जज ही पर्याप्त संख्या में अगर आ भी जाएंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मुकदमे तय हो जाएंगे। जब तक कि जो जुडिशरी में के प्रति गवर्नमेंट का एक स्पष्ट नजरिया ना हो और ये उद्देश्य लेकर न चले कि हमें जनता को न्याय देना है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और न्याय देने की गति न जब तक मिले तब तक इस समस्या का समाधान हमारे ख्याल से होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक सरकार ये इस न्यायपालिका के संबंध में हमेशा उदासीन रही है। एक तो खाली पदों को नहीं भरा जाता और अब तमाम मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासनिक अमले अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, प्रशासनिक अमलों द्वारा अगर सही निर्णय लिया जाने लगे कानून के मुताबिक तो न्यायालयों पर बोझ कम पड़ेगा। बहुत हाई कोर्टों में अधिकांश मुकदमे राज्य सरकार के खिलाफ दाखिल हो रहे हैं, जिसमें तमाम मुकदमे इस बात को लेकर दाखिल होते हैं कि साहब हमारा एप्लीकेशन अधिकारी फला अधिकारी के समक्ष पेंडिंग है, उसको निस्तारित करने का आदेश दिया जाए, या हमारा मुकदमा इतने सालों से जिला अदालत में पेंडिंग है उसको निस्तारित करने के लिए आदेश दिया जाए। ऐसी हजारों पिटीशन कोर्ट में आ रही जिनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक एक सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम नहीं डेवलप किया जाएगा तब तक ये पेंडेंसी का ये समस्या बनी रहेगी। इसके लिए जरूरत है कि सरकार इस संबंध में सोचे और एक फुल प्रूफ व्यवस्था करें। जरूरी नहीं कि बहुत ढेर सारे जज हों, थोड़े से भी जज अगर ठीक से काम करें तो पेंडेंसी कम की जा सकती है। चलिए बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। रशीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमारे भाव 2 साल से बेंगलोर में रहते हो, जॉब में है जी, 1 लाख रुपए कंपनी का पेमेंट है, मगर वो हमारे बच्चे के साथ नहीं रह के माँ बाप के घर में बैठ गए जाके और हमारे ऊपर है ना वो मेंटेनेंस का केस कर दिए, मेंटेनेंस का केस कर दिए, 70,000 रुपए महीने को देना बोल के केस बनाई है, वो कोर्ट में चल रहा है उधर जी जी, उसका उसको है ना उसको नौकरी है, वो ऑलरेडी नौकरी में है, वो एक कंपनी में काम कर रही है, उसको 80,000 रुपीज पेमेंट है जी जी, MBA करके है, वो MBA करके नौकरी भी कर रहे हैं और 70,000 के हमारे ऊपर केस की मेंटेनेंस जो बोल के 4 आदमी के ऊपर केस की हमारे घर के 4 लोगों पे। ठीक है, दिव्य दर्शन शर्मा जी, क्या इन्हें उपाय अपनाना चाहिए? जैसे रशीद जी ने कहा कि उसने मेंटेनेंस का क्लेम भी इनके ऊपर किया हुआ है जबकि वो खुद भी कमा रही है, तो अब यही नहीं कि अगर वो पत्नी इनकी है जो खुद कमा रही है, ऐसा नहीं है कि वो खुद कमाने का मतलब ये हो जाएगा कि ये इनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर लगता है कि पत्नी की जो आय है वो पति की आय से बहुत कम है तो उसके खर्चे को मीट आउट करने के लिए कोर्ट उस हद तक एक उसको कंपनसेशन या उसको मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है कि जो पत्नी जिस लेवल पे रह रही है यदि उसका लेवल पति के स्तर से नीचे है तो उसको मीट आउट करने के लिए कोर्ट उसको मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है। इन्हें क्या कदम मौजूदा स्थिति में उठाना चाहिए? इनको पहला ये चाहिए कि जो भी उसने मेंटेनेंस क्लेम किया है तो वो उसमें सारी जानकारियां उसमें देती है, अगर उसने ये जानकारी नहीं दी है कोर्ट के अंदर कि वो इतना पैसा अर्न कर रही है तो कम से कम ये वो पूरा एविडेंस कोर्ट के सामने लेकर आए और कोर्ट को बताएं कि इसकी जो आमदनी जो इनकी पत्नी है जो आमदनी उसकी है वो कोर्ट के समक्ष ही लेकर के आए तो कोर्ट जो उस पर विचार करने के बाद उसको अपने जो मेंटेनेंस उन्होंने अवार्ड किया उसको रिव्यू भी कर सकती है। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं रशीद अहमद साहब जो तरीका आपको दिव्यदर्शन शर्मा जी ने बताया अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अब इन परेशानियों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन कोई कानूनी समस्या है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ, दिव्यदर्शन शर्मा जी और इलाहाबाद से कृष्ण जी शुक्ल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो आपके परेशानियों का
हल बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं वो भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की समस्या को लेकर भी है। इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊँगा। जो बातें आप अभी जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी विचारक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी कहा था कि न्यायपालिका राज्य का सबसे कमजोर तंत्र होता है, क्योंकि उसके पास ना तो धन होता है ना ही हथियार। धन के लिए न्यायपालिका को सरकार पर आश्रित रहना होता है और अपने दिए गए फैसलों को लागू करने के लिए उसे कार्यपालिका पर निर्भर रहना होता है। आप यही बात कहना चाह रहे थे? नहीं, ये एक अलग पहलू है। इससे अलग एक दूसरी बात है ये कि अक्सर ये कहा जाता है कि तमाम पद खाली पड़े हैं लिहाजा पेंडेंसी बढ़ रही है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर जज भारी संख्या में होना ये जरूरी नहीं है। अगर जज जितने हैं उतने ही अपने कर्तव्य का पालन करें जी। और सही ढंग से फैसले किए जाएं तो पेंडेंसी में काफी सुधार हो सकता है। दूसरी बात यह है, अगर सरकारी अधिकारी अपने स्तर पर फैसले लेना शुरू कर दें नियमानुसार, कानून का उल्लंघन ना करें, गलत फैसले ना लें, तो इससे अदालतों पर बोझ कम हो जाएगा, स्वतः ही कम हो जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक अमला सही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दुखी होकर के अदालतों में जाना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान सरकार स्वयं कर सकती है कि उनके अधिकारी जो मनमाना आदेश कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द हो रहे हैं, और किसी अधिकारी के दर्जनों आदेश अगर लगातार रद्द हो रहे हैं और उसके बाद भी उनमें सुधार नहीं आ रहा है, तो सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ये अधिकारी कानून होने के बावजूद, नियम और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले होने के बावजूद उनके खिलाफ निर्णय क्यों ले रहे हैं, या फिर क्यों कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार इस मामले में सक्रिय हो जाए तो अदालतों पर बोझ कम हो सकता है। तो ये एक जजों की संख्या कम होना ये भी एक फैक्टर है, लेकिन जितने जज हैं अगर वो भी सही काम करें और साथ में प्रशासनिक अमला अगर जागरूक हो जाए और कानून के तहत वो फैसला लेने लगे और ट्रेंड किया जाए, जो आईएएस पीसीएस लॉबी है जो जुडिशियल वर्क करते, नॉन जुडिशियल वर्क, क्वासी जुडिशियल वर्क करते हैं, अगर उन्हें ट्रेंड किया जाए और जुडिशियल नॉलेज दी जाए, तो वो तमाम मुकदमे, हजारों की संख्या मुकदमे हैं जो अदालतों में आने से रह जाएंगे और वहीं तय कर लिए जाएंगे और तरह तरह के फोरम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि जो सरकार की भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, एक दिक्कत ये है। सरकार अपनी ओर से सक्रिय होना पड़ेगा और प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में सख्त होना पड़ेगा कि ताकि वो नियमानुसार समय रहते फैसले ले। चलिए, और दूसरा चीज ये की कार्यपालिका पर जो निर्भर रहना पड़ता है वहाँ पर भी एक व्यापक सुधार की गुंजाइश है। अगर वहां पर सुधार हो जाए तो भी नहीं, तमाम कोई बात नहीं रही, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का वेतन संचित निधि से मिलता है और जहां तक स्टाफ का वेतन है वो भी फिक्स है और सबको सरकार द्वारा आता है। वेतन मिलने में सरकार की कोई मर्जी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब वेतन कमीशन से फिक्स है, तो सरकार का ऐसा कोई दबाव न्यायपालिका वेतन के संबंध में नहीं है और न्यायपालिका पूरी तरह से इस संबंध में स्वतंत्र है और पैसे की वजह से न्यायपालिका काम नहीं रुकता। जहां तक हाई टेक्नोलॉजी का मामला है, जिसमें सरकार भी काफी पैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दे रही है, निचली अदालतों में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, यहाँ तक कि जेलों को सीधे हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है, सारी अदालतों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की ये व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे सरकार इस संबंध में न्यायपालिका को काफी योगदान दे, क्योंकि न्यायपालिका के तरफ से सरकार को भारी धनराशि कोर्ट फीस के रूप में मिल रही है। तो सरकार को न्यायपालिका इतना ज्यादा कोर्ट फीस के रूप में पैसा दे रही है कि सरकार को न्यायपालिका में खर्च करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते कोई एक कार्य योजना बने और उस पैसे का सदुपयोग हो। क्योंकि वकीलों का ही एक फंड है, प्रोविडेंट फंड, अरबों रुपए उसमें पड़े हुए हैं और जो चाहे तो वकीलों को काफी सहायता भी मिल सकती है। सरकार को भी स्टैम्प एक्ट के तहत जितने कोर्ट फीस लगती है उसमें बहुत ज्यादा धनराशि मिलती है, उससे चाहे तो न्यायपालिका में सुधार कर सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा कहने, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी, सवाल मैं ये कहना, मेरा सुझाव ये है कि ये जो प्रलंबित मामले रहते हैं तो वकील ज्यादा जिम्मेदार है, जजेस की संख्या तो कम जरूर है, पर ये सरकार और जजेस के बीच लफड़े में जितने तारीख के ऊपर तारीख, इसके लिए बहुत हेवी कॉस्ट लगाना चाहिए कोर्ट ने, यानी कि आदत बंद हो जाएंगे। देवदर्शन शर्मा जी क्या कहेंगे? हाँ, चॉइस साहब को मैं ये इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। एक्चुअली होता भी यही है कि जनरली चाहे वो गवर्नमेंट हो या जुडिशरी हो या हमारे जो लिटिगेंट भाई हैं, इस सब का जिम्मा कहीं ना कहीं
वकीलों के ऊपर डाला जाता है जी। इसीलिए मैं जो अभी बात कर रहा था, जिसे मेरे जो शुक्ला साहब मेरे लर्निंग फ्रेंड ने थोड़ा सा ये कहा कि नहीं, संख्या की कमी पेंडेंसी लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं इसे इत्तफाक नहीं रखता। और जहाँ तक एडजॉइनमेंट का सवाल है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और रीजनेबल ग्राउंड पे एडजॉइनमेंट, क्योंकि हम लोगों का जो भी हम लोग एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, हमारे लिए वर्किंग डेज में कोई भी छुट्टी का कोई प्रोविजन नहीं होता। हम लोग भी सामान्य सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों के अगर कोई घर में परेशानी है या कुछ है और हम उस कारण अगर कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो एक रीजनेबल ग्राउंड होती है कोर्ट में एडजॉइनमेंट सीख करने की। और कभी कभी तो जब हो जाती है कि जब ऐसे एडजॉइनमेंट पे भी कोर्ट कॉस्ट लगा देती है। अदर डिस्ट्रिक्ट का या अदर स्टेट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जब अपीयर होता हूँ तो बहुत रीजनेबल ग्राउंड पे एडवोकेट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जब वो काम करेगा तो फीस आएगी। तो हम खुद नहीं चाहते कि मैटर बेवजह में एडजॉइनमेंट के लिए जाएं। और एडजॉइनमेंट अगर होता भी है तो वो हमारा बहुत एक रीजनेबल ग्राउंड होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर जज साहब को नहीं आना है तो छुट्टी ले सकते हैं, अगर क्लाइंट को नहीं आना है तो वो अपने वकील साहब को बोल देगा कि जी मेरी एग्जम्पशन की एप्लीकेशन मूव कर देना। लेकिन अगर किसी जेन्युइन और रीजनेबल कारण से, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है और वकील साथ अगर हुआ है, तो अगर वो एडजॉइनमेंट सीख करता है तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि एक छुट्टी लेने का अधिकार यहाँ हर एक नागरिक को है और एक सामान्य नागरिक से लेकर राष्ट्रपति भी इस देश में छुट्टी लेते हैं, तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। और हाँ, एडजॉइनमेंट का जहाँ तक अगर ये लगता है जज साहब को कि एडजॉइनमेंट जो सीख किया गया है ये प्रॉपर नहीं है, तो उस पे कॉस्ट पड़ती है, तो वो चीज भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो प्रोफेशनल होकर के हम ऐसा नहीं करते कि जो चले, उम्मीद करते हैं कि जो चौधरी साहब की आशंका थी वो आशंका उनकी जरूर दूर हुई होगी। और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बरेली से अगले दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है राहुल आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार। मेरा सर सवाल ये है, जैसे हमारा एक केस सर बरेली में चल रहा है, उसमें 15 फरवरी में मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर हो गया था जी। हम अपने वकील साहब के पास इलाहाबाद गए और इलाहाबाद में हमने अपना केस उनको सर दे दिया, लेकिन और फोटो वगैरह भी खिंचवा लिया जी। लेकिन इसी बीच सर क्या होता है कि वो हमारा केस वहाँ पर डाल नहीं पाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी बीच जब साहब ने दूसरा ऑर्डर कर दिया, उसके अंदर हमारे खिलाफ आरसी जारी कर दी। जिस दिन आरसी जारी की है उसके 2 दिन बाद वकील साहब वहाँ पर केस डाल पाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। क्या ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कहलाएगा कि हमने अब कहते झूठ बोला वहाँ पर अदालत से? शुक्ला जी क्या जवाब? ये हमारा प्रश्न है। शुक्ला जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, इनका ये सवाल ये था कि उनके वकील यहाँ पर मुकदमा नहीं दाखिल कर पाया, जिसकी वजह से दूसरा आदेश हो गया जी। इस समय करीब जनवरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है, यहाँ एक सीआईएस नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसकी वजह से जो भी मुकदमे टाइप होने के बाद अगर ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं तो वो 5वें दिन कोर्ट में आते हैं, और 5वें दिन अगर नहीं आते हैं तो अगर कोई डिफेक्ट है तो वो 9 दिन के अंदर आ सकते हैं। तो ये एक लंगा प्रोसेस चल रहा है, अभी ये सुधार की प्रक्रिया चल रही है कंप्यूटराइजेशन की, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अगर उन्होंने दूसरा उसमें आवर हो गया है तो उसको भी उसमें पिटीशन में सप्लीमेंट्री या अमेंडमेंट एप्लीकेशन के जरिए चैलेंज कर सकते हैं और दोनों आदेश को उसी पिटीशन में सुनवाई हो जाएगी, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं राहुल, जो आपका प्रश्न था दोनों आदेशों को एक साथ चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। वाराणसी से कृष्णा जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा ये कहना था कि जो लंबित केसे हैं क्या उसमें कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट से नहीं लंबित हो जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो केसेज होते हैं, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो इतना लेंदी है कि बहुत सी चीजें उसी का पता चल जाती है और बार बार एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट फिर पीछे फिर आगे करते करते समय बहुत ज्यादा, तो क्या प्रोसीजर फॉर्म की जरूरत है कि नहीं इंडिया में? क्योंकि जो प्रोसीजर बनाए गए हैं उस समय के जो लीगल थियरी एस्पेक्ट दूसरे थे, पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी कम था, अभी तो 25 करोड़ पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनियस सोसाइटी है, तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है। लेकिन अगर प्रोसीजर सिंपल हो और उसको टेक्नोलॉजी से अटैच किया जाए तो बाकी बहुत समस्याएं हल हो सकती हैं। तो क्या इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है? क्या उसमें बार एसोसिएशन का कोई रोल होता है कि नहीं होता है इसमें? शर्मा जी क्या जवाब देंगे? इस तरह की समस्या वाकई में आती है। एक सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि केस की शुरुआत निचले स्तर पर होती है, फिर आगे हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और एक लंबी अवधि का सामना करना पड़ता है।
कैसे? जहां तक प्रश्न है कि कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो एक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको हम लोग किसी को उस न्याय से वंचित नहीं कर सकते, उसका अपना अधिकार है। लेकिन जहां तक बात आती है यहां स्पीडी जस्टिस की और जल्दी से न्याय हो, त्वरित न्याय हो, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि एक डिटेल सर्वे हुआ, इसमें यह पाया गया कि 1 मिलियन पर 50 जजेज होने चाहिए और आज की टाइम में मैं बात लौट कर फिर वहीं पर लेकर के आ रहा हूं, 13 जजेज 1 मिलियन के ऊपर हैं। आप अगर कोई मैटर आपका अपील में हाई कोर्ट के अंदर जाता है तो सामान्य प्रक्रिया में आपका केस एडमिशन के बाद उसको रेगुलर लिस्ट में डाल दिया जाता है और वो 10-10 साल के बाद 12-12 साल के बाद उसकी सुनवाई के लिए आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट रूम्स और टेक्निकल हमारा स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ के साथ साथ हमारे पास जजेस की कमी होना है। आज मैं आपको बताऊं सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 24 हाई कोर्ट में से 9 हाई कोर्ट के अंदर प्रॉपर जो चीफ जस्टिस नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं। इवन दिल्ली हाई कोर्ट को भी अगर आप देखें पिछले लंबे समय से वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और वहां पर चीफ जस्टिस नहीं आ पाए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं एक क्लैश को बताता हूँ, जो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ जो हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अलॉन्ग विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो हेड करते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम ड्यूटी बाउंड होता है अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए। पैरेलली जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम जो लेकर के आई वो एनजीएसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं वजहों से जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं हाई कोर्ट के अंदर ये प्रॉपर एकदम टाइमली नहीं हो पाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो जो मतलब रिक्तियां हैं, जो मतलब जो पदों पर नहीं है जजेस, अगर ये पूरी तरह से भर जाए और हम लोगों को भी जो एडवोकेट्स हैं वो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, कहीं अगर कोई ऐसी बात है कि जो हम अर्जमेंट्स या वगैरह या इस तरह कुछ चीजों की वजह से न्याय में देरी होती है, 1% 2% का एक हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये दूर हो सकती है। जो कमियां हैं उनको दूर किए जाने को लेकर अगर गंभीरता से प्रयास उठे तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कार्यक्रम के समापन का वक्त है। शुक्ला जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि चिंता तो सुधार को लेकर खूब व्यक्त की जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बातें सिर्फ बहस तक ज्यादा सीमित होकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से जिस व्यापक सुधार की बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए वो नहीं हो पाते? बहुत व्यापक सुधार की जरूरत नहीं है, अगर हल्का सा सुधार कर लिया जाए व्यवस्था में तो इसमें काफी परिवर्तन आ सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज अगर पूरी भर देते हैं तो क्या सारे जजेज अपॉइंट हो जाने के बाद क्या पेंडेंसी बहुत तेजी से तय होने लगेगी? एक जज की अपनी क्षमता होती है, उस अपनी क्षमता के हिसाब से वो काम करेगा। समस्या वहां आती है जैसे जज के सामने 100 मुकदमे लगे हैं, 100 मुकदमों में और पुकार हो रही है और उनकी सुनवाई हो रही है, पता चला कि उनमें सरकार की तरफ से हलफनामे जवाबी हलफनामे ही नहीं फाइल है तो वो बार बार समय ले रहे हैं। अगर समय से जवाबी हलफनामे आ जाएं और वो खाना पूरी से पूरी हो जाए, दोनों तरफ से इसमें सक्रिय अधिवक्ता सक्रिय रहे कि ये तय हो जाए, तो जज को उस मुकदमे को तय करने के लिए कुछ समय लगेंगे और वो तय हो जाएगा। और यदि सरकार इसमें निष्क्रिय रहेगी और सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो जज की संख्या 200 के बजाय 300 कर दी जाए तो भी पेंडेंसी खत्म नहीं होगी। हमारे चलिए बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी सभी को अपने अपने लेवल पर ठीक ढंग से निभानी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर अगर कार्यपालिका की भी बात की जाए, कार्यपालिका को भी गंभीरता के साथ काम करना होगा, तब इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जो अंबार लगता जा रहा है मुकदमों का, उसे कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को खत्म करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।